are थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट इज स्टैटिक, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, होता है ऊपर ऊपर से, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर हम इसके में जाएंगे. इट एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, और तुम एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा रहे हो, फिर भी बॉडी रेस्ट में रहती है, तब जो फ्रिक्शन लगेगा ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी होता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के अगर वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है, वो डिटेल में आगे चल के देखेंगे. लिमिटिंग फ्रिक्शन, बहुत देर तक बॉडी रेस्ट में नहीं रह सकती, अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ा दो, वो अगर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगी, एंड एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगी, तब बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, उस टाइप के फ्रिक्शन को कहेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन. फिर आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे ही बॉडी मूव करती है विद सम वेलोसिटी या कुछ एक्सेलरेशन, उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. सो दीज आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज इन विच वी डिफाइन द फ्रिक्शन. अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं. पहले जानकारी लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, पहले तो सिचुएशन है, यहाँ पे सरफेस हमने स्मूथ लिया है और यहाँ पे मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये एम ब्लॉक की अगर मैं एफबीडी निकालूंगा तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर, उसका सेल्फ वेट इज डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, एंड स्टिल द बॉडी इज नॉट मूविंग, तो ये रेस्ट में है, ठीक है, इससे कोई कंसर्न नहीं, हमें फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करना है. हमने देखा कि यार तुम सेकेंड केस देखो, इन द सेकेंड केस यहाँ पे सरफेस रफ है, द सरफेस इज रफ एंड मास ऑफ द बॉडी इज एम, उसके ऊपर हमने कैपिटल एफ फोर्स लगाया, कैपिटल एफ फोर्स लगाया, और जैसे ही हमने कैपिटल एफ फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स ने हमें अपोज किया. फ्रिक्शन फोर्स ने क्या किया, हमें अपोज किया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. एंड बिकॉज दिस फ्रिक्शन फोर्स इज मोर, फ्रिक्शन फोर्स काफी ज्यादा है कंपेयर टू जो जो एक्सटर्नल फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए बॉडी रेस्ट में रहेगी. तो अगर ये कंडीशन है, फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल फोर्स, स्टिल बॉडी विल बी एट रेस्ट. इसलिए हमने इसकी एफबीडी निकाली, एफ माइनस एम के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ, और इससे कोई इसका मोशन नहीं हो रहा है, तो इस इक्वल टू हमने क्या लिखा, जीरो लिखा. लेकिन हम एफ की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे, अगर एफ की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गई, तो बॉडी विल जस्ट ट्राई टू मूव, तो उस समय जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा इन सरफेस के बीच में, थोड़ा एक इंडिक्शन फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है कि तुमने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया. एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन हो जाता है. एक्सटर्नल फोर्स अगर 3 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 3 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन बहुत देर तक ये नहीं रह सकता. कि मान लो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन है और हम 16 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं, देन द बॉडी विल नो लॉन्गर बी एट रेस्ट. सो यस, द फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. हम आगे चल के उसको डिटेल देखेंगे ही. तो यहाँ पे हमने लिख लिया मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द स्टैटिक फ्रिक्शन. जब तक बॉडी रेस्ट में है तो वो जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या कहेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन. बैलेंस इज द एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करेंगे मतलब उसके बराबर जब तक होगा तब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी, और उसके बाद उस जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स बढ़ जाएगा बॉडी मूव करने लगेगी, दैट पर्टिकुलर फोर्स को हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. अब इसको थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है. सो आई नीड टू ऐड सम पेजेस. So, let's derive some formula for static friction. Magnitude of limiting friction. Limiting friction की value find out करेंगे. Limiting friction तुम सबको पता है. उसके आगे अगर हम external force लगाएंगे, तो body move करने लगेगी. ठीक है? तब तक body move नहीं करेगी, तब तक body rest में रहेगी. Rest और motion के बीच में जो कुछ friction लगेगा, जो कुछ friction की value होगी, that is called as limiting friction. उसका formula हमें चाहिए, तो हमने कहा कि ये किसके ऊपर depend है. सो द फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये कोई मास एम रखा है किसी रफ सरफेस के ऊपर, इस मास एम के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन लग रही है, सो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन दैट नॉर्मल रिएक्शन एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रफनेस. सो हमने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स एफ सफिक्स एल, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन से डिफाइन करेंगे, एफ एल से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. इक्वल टू का साइन देके एक कॉन्स्टेंट आएगा, इस कॉन्स्टेंट का नाम हमने दिया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस. ये सरफेस किससे बना हुआ है, ये कॉन्क्रीट से बना हुआ है, वुडन फ्लोर के ऊपर तुमने ये ब्लॉक को रखा है, या किसी टाइप के ऊपर रखा है, व्हाट टाइप ऑफ
द सरफेसेस, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं इसको शॉर्ट में, इट इज यूनिटलेस। म्यू एस क्या है, इट इज, इसको कोई यूनिट नहीं होता है, इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है। ठीक है, इट इज यूनिटलेस। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये नंबर होगा 0, 1, 0.2, 0.5। 0 मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, 1 मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है कि बॉडी मूव ही नहीं कर सकती। ठीक है, दो चीजें यहाँ से निकल के आती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज यूनिटलेस, इट इज जस्ट नंबर, और उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती बिकॉज इट जस्ट अ प्योरली नंबर। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम लिख सकते हो म्यू एस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एन। एफ एल क्या है, फोर्स है। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, और दो फोर्सेस का अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है तो वो उसको कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कुछ हमने पीछे पढ़ा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, वो हम ये स्लाइड समझते हैं अभी। ठीक है, हमने एग्जाम्पल वन लिया, वी टुक वन एग्जाम्पल, फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस 2 kg ब्लॉक। 2 kg का ब्लॉक यहाँ पे कंसिडर करो, और ये ब्लॉक और सर्फेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.3। तो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, दैट इज म्यू एस इनटू एन। व्हाट इज म्यू एस, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट में तो जो फ्रिक्शन उसके ऊपर लगता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे वो दिया है 0.3, उसको कोई यूनिट नहीं होता, इट जस्ट अ नंबर, और वो 1 के ऊपर नहीं होता है। सो हमने इसकी एफबीडी निकाली इसलिए क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन का आंसर चाहिए। सो एफ बी डी में निकाला हमने एन इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है और दो ही फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं। सो एन की वैल्यू यहाँ से आगे 2 × 10, दैट इज 20 न्यूटन, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3, और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई 6 न्यूटन। अभी एग्जैक्टली 6 न्यूटन क्या है, उसके लिए हमने एक सेकेंड क्वेश्चन बनाया। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर टू मूव द 2 kg मास। हमने वही एग्जाम को रीड्रॉ, वही डायग्राम को यहाँ पे रीड्रॉ किया। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अगर 2 न्यूटन लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर लगेगा 2 न्यूटन। बाय प्रॉपर्टी ये नेचर होता है फ्रिक्शन का, वो सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। तुम जितना फोर्स लगाओ, लेट्स से तुम लगाओ 4 न्यूटन, वो 4 न्यूटन से अपोज करेगा। जैसे कि हमने स्प्रिंग फोर्स में दिखाया था ना, जितना ज्यादा एक्सटेंशन करोगे उतना ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स लगता है, वही जितना ज्यादा तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना ही इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। 6 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया तो रेजिस्टिव फोर्स भी 6 न्यूटन हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने 6.01 न्यूटन फोर्स लगाया, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम 6 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, उससे ज्यादा ये नहीं लग सकता। मतलब यहां तक जो हम 6 न्यूटन तक जो फोर्स लगा रहे थे उसके इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगा और बॉडी मूव नहीं हो रही थी, तो हमने कहा बॉडी रेस्ट में है। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा ज्यादा लगा दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू से, इनके बीच में ये जो सरफेस कॉन्टैक्ट है इनके बीच में इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई। इनके बीच में फ्रिक्शन क्यों है, बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग, और थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो गया लिमिटिंग वैल्यू से तो इंटरलॉकिंग टूट जाती है, तो इंटरलॉक्स अभी ओपन हो गए, और जैसे इंटरलॉक ओपन हो जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी थोड़ी कम हो जाती है और बॉडी मूव होती है। इसलिए जब बॉडी मूव होगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू स्लाइटली कम हो जाती है क्योंकि इंटरलॉकिंग टूट जाती है। इंटरलॉकिंग क्या होता है, ये जो सरफेस है उनके रफनेस के कारण एक दूसरे के अंदर वो अटके हुए होते हैं एंड द बॉडी विल मूव, और जब बॉडी मूव करेगी तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कंटिन्यूअसली इतना ही लगेगा और वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल एंड व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स इन मोशन, जब बॉडी मोशन में रहेगी, लेट्स से कि बॉडी वी वेलोसिटी से चल रही है, तब जो फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होगी। क्यों कम होगी,
बिकॉज जब बॉडी मोशन में होगी तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट में जो इंटरलॉकिंग होगी वो ब्रेक हो जाएगी. व्हेन द बॉडी इज इन मोशन दिस इंटरलॉकिंग विल ब्रेक डाउन. और उसके कोई और भी रीजन, अन्य रीजन भी, उसके कारण फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था. ठीक है, इसका फॉर्मूला भी वही म्यू के इंटू एन. म्यू क्या होगा, कोएफिशिएंट, ये दो पॉइंट याद, लिमिटेशन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, एंड स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा रहेगी. आगे हमने इसको थोड़ा और इलैबोरेटिवली किया स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, आजा अभी कितना टाइम लगेगा. हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. इट वेरीज इट्स वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल फोर्स. द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज रीच. हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर 6 न्यूटन आती है, इसका मतलब 6 न्यूटन तक बॉडी मूव नहीं करेगी. लेट्स से मैंने एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन लगाया तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 2 न्यूटन लगेगा. अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स 3 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 3 न्यूटन लगेगा. ऐसा कब तक चलेगा, 6 न्यूटन तक. आफ्टर दैट इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 6.01 न्यूटन, सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अभी भी 6 न्यूटन ही लगेगा, शायद उससे थोड़ा कम हो जाए क्योंकि बॉडी अभी मोशन में आ जाएगी. ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन. वंस द बॉडी इज इन मोशन, जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स, रिमेंबर दैट, वो वैरी नहीं करेगा जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वैरी कर रहा था. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स, और वो कब आता है पिक्चर में, जब बॉडी मूव करने लगेगी. और वो कैसा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए ये ग्राफ में थोड़ा सा हमने यहाँ पे डिप दिखाया है. ठीक है, ए पॉइंट को क्या कहोगे, ये ग्राफ क्या है बेसिकली, ये ग्राफ है एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स के बीच में. तो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़े टिल द पर्टिकुलर वैल्यू, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू. उसके बाद जो बॉडी मोशन में आएगी, जो फ्रिक्शन लगेगा उसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो कैसा होता है, वो होता है कॉन्स्टेंट फोर्स. और तीसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्स्टेंट फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है. सो कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा पेयर में आते हैं, लाइक एक्शन रिएक्शन. तो यहाँ पे ये ब्लॉक के ऊपर अगर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो ये ब्लॉक भी सरफेस के ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा. तब जब हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे इस ब्लॉक एम की या कोई जो ब्लॉक होगा, तब हम ये ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स दिखाएंगे, ना कि जो ब्लॉक सरफेस के ऊपर लगाएगा वो हमने दिखाया. ये वीडी बेसिकली होता क्या है, जो बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस है वो हम दिखाते हैं. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट फ्रिक्शन फोर्स, एंड रिमेंबर दिस, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज इक्वल एंड अपोजिट, दोनों बॉडी के ऊपर लगता. चलो सर, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम इसके ऊपर. यहाँ पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, M1 और M2. देयर इज अ स्ट्रिंग इन बिटवीन देम. हमें पूछा है, हमने रिलीज कर दिया, हमें पूछा है कि इसके एक्सेलरेशन बताओ दोनों ब्लॉक के कितने होंगे. और गिवन इंफॉर्मेशन है कि M1 ब्लॉक और ये जो सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो म्यू डी है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम FBD निकालेंगे M1 और M2 की. हमने देखा दिस टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल स्ट्रिंग, तो दोनों स्ट्रिंग में सेम ही टेंशन आएगा और दोनों ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन सेम होगा. सो फ्री कर दोगे तो M2 नीचे जाएगा बाय ग्रेविटी और M1 आगे जाएगा. जैसे M1 आगे जाएगा फ्रिक्शन फोर्स उसको पीछे लगेगा. सो M1 की FBD हमने निकाली, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, टेंशन टी आगे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, M1G नीचे और एक्सेलरेशन आगे. इक्वेशन ऑफ मोशन इसका लिखा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टी है तो टी माइनस एफ इज इक्वल टू M1 है. और यहाँ पे वर्टिकल इक्वेशन से हमें N इज इक्वल टू M1 ये मिल जाएगा. वो हमें यूजफुल होगा जब हम फ्रिक्शन को म्यू इंटू N सब्सटीट्यूट कर देंगे और यहाँ पे हम N की वैल्यू पुट कर देंगे M1G. तो फाइनली हमारा इक्वेशन हो जाएगा टी माइनस म्यू M1G इज इक्वल टू M1A. फिर हमने M2 की FBD निकाली, M2G ग्रेविटी का फोर्स नीचे, टेंशन टी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे. तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट वो पहले लिखते हैं हम, दैट इज M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A. इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो हमें मिला M2G माइनस म्यू M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A. यहाँ से A कॉमन कर लिया, बचेगा M1 प्लस M2, वो डिनोमिनेटर में भेज दिया. यहाँ से G कॉमन ले लिया एंड आई गॉट द एक्सेलरेशन एज दिस आंसर.